वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का 13वां सीजन 19 सितंबर से यूएई में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट की मंजूरी के साथ ही बीसीसीआई ने चीनी मोबाइल कंपनी वीवो से टाइटल स्पॉन्सरशिप जारी रखी है, जिसके चलते आरएसएस से जुड़े एक संगठन ने इसका विरोध किया है। संगठन ने यहां तक कह दिया है कि लोगों को आईपीएल का बहिष्कार करने पर विचार करना चाहिए। तो आइए जानते हैं पूरा मामला और क्यों आईपीएल का विरोध कर रहा है आरएसएस से जुड़ा यह संगठन। दरअसल आरएसएस से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने कहा है कि एक तरफ भारतीय सैनिक सीमा पर चीन से लड़ रहे हैं, देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और हम अपने सैनिकों का समर्थन करते हुए चाइनीज कंपनियों और उनके सामान का बायकॉट कर रहे हैं। ऐसे में बीसीसीआई ने वीवो से अपना करार जारी रखते हुए भारतीय सैनिकों का अपमान किया है। यदि यह करार नहीं तोड़ा गया तो हम आईपीएल का बहिष्कार करेंगे। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि लोगों को इस टी20 क्रिकेट लीग का बहिष्कार यानी कि बायकॉट करने पर विचार करना चाहिए। संगठन के सह संयोजक अश्विनी महाजन ने एक बयान में कहा है कि बीसीसीआई और आईपीएल की संचालन समिति ने चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों का अनादर किया है। महाजन ने आगे कहा कि हम आईपीएल के ऑर्गेनाइजर से अपील करते हैं कि अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। याद रखिए कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्रिकेट भी नहीं। उन्होंने कहा कि जब देश अर्थव्यवस्था को चीनी प्रभुत्व से मुक्त बनाने की कड़ी मेहनत कर रहा है, सरकार चीन को हमारे बाजारों से दूर रखने के लिए सभी प्रयास कर रही है, ऐसे में आईपीएल का यह फैसला देश की जनभावना के बिल्कुल ही खिलाफ है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर आईपीएल के विरोध की वजह क्या है। तो दरअसल 15 जून की रात गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही देश भर में चीनी कंपनियों और सामानों का बॉयकॉट शुरू हो गया था। इस बीच भारत सरकार ने भी चीन के 60 से ज्यादा ऐप्स को बैन कर दिया था। कई व्यापारी संगठनों ने भी चीनी सामानों के बहिष्कार का खुला ऐलान किया। ऐसे में आईपीएल में चीनी कंपनी वीवो की स्पॉन्सरशिप से कई संगठन बेहद नाराज हैं। उनमें आरएसएस से जुड़ा स्वदेशी जागरण मंच भी शामिल है। गौरतलब है कि देश भर में चीनी कंपनियों के भारी विरोध के बावजूद बीसीसीआई ने अपना करार अभी तक जारी रखा है। आपको बता दें कि वीवो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है, जो बीसीसीआई को कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर हर साल 440 करोड़ रुपए देता है। आईपीएल का कंपनी से 5 साल का करार है, जो साल 2022 में खत्म होगा, यानी कि साल 2022 तक आईपीएल और वीवो की टाइटल स्पॉन्सरशिप है। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे आईपीएल में चीनी कंपनी की स्पॉन्सरशिप को लेकर नाराज है आरएसएस से जुड़ा संगठन, साथ ही कैसे उठ रही है आईपीएल के बहिष्कार की मांग। फिलहाल आपकी इस मसले पर क्या है राय, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ आईपीएल से जुड़े हर अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।